वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो है कि आज जैसे कि हमने लोग टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग करने हैं यहाँ पे रिव्यू सिविक RS टर्बो 2024 मॉडल का। तो हमारे बैक पे वही गाड़ी मौजूद है, तो बस अभी इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक पे जो ये सिविक की 11th जनरेशन है जो 2022 में लॉन्च हुई थी और ये 2024 मॉडल है। तो फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले जिसमें मेजर चेंज थी वो इसकी हेडलाइट एंड सारा लुक वगैरह। जनरेशन चेंज है तो मीन सब कुछ ही चेंज हुआ होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट्स की। तो इसमें सबसे पहले ऑल डे रनिंग DRLs हैं और लो बीम में LED बल्ब्स हैं साइड्स पे, एंड सेंटर में हाई बीम है वो भी LED में ही है। और नीचे आ जाएँ तो इसके फॉग लैंप्स हैं वो भी LED में ही हैं। और जो इसकी पहले वाले जो लास्ट जनरेशन थी सिविक एक्स, उसमें उसका बम्पर एंड ग्रिल अलग थी, पर इसमें बम्पर एंड ग्रिल एकदम अलाइंड ही है। और जैसे कि यहाँ पे जो बम्पर है इसका जो अपर लिप है वो काफ़ी बल्की सा है जो गाड़ी को काफ़ी बल्की लुक देता है। बल्की लुक के बाद नीचे इसकी ग्रिल है, पर इसकी ग्रिल का यूनिक है बाकी गाड़ियों में क्रोम वगैरह का यूज़ होता है, इसमें क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं है, सारा पियानो ब्लैक में ही है। और नीचे भी इसकी एयर इनटेक एंड रेडिएटर को कूल करने के लिए हनीकॉम स्टाइल ग्रिल है। एंड ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है वो काफ़ी बल्की है एंड काफ़ी अग्रेसिव है। तो साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल पे भी इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन है दो, एक यहाँ पे जो एंड तक जाती है बॉडी के एंड एक नीचे, ये भी एंड तक जाती है बॉडी में। और जो इसके इसमें 17 इंच के रिम्स हैं होंडा के पियानो ब्लैक में, और बाकी जो वेरिएंट आता है 1.8 वाला सिंपल उसमें भी उसमें 16 इंच के होते हैं एंड वो क्रोम में होते हैं, ये पियानो ब्लैक में है R17। और इसमें GTR के टायर हैं 215 प्रोफाइल एंड 50। और जो साइड्स में इसके डोर हैंडल्स वगैरह हैं और साइड में ये सारे पियानो ब्लैक में हैं, और बीच वाले ये भी पियानो ब्लैक ही है। और यहाँ पे जो मेजर चेंज गाड़ियों में क्रोम वगैरह यूज़ हुआ होता है, बट इसमें पियानो ब्लैक ही है, क्रोम वगैरह का कुछ यूज़ नहीं है इसमें। और इस जनरेशन में इसका एक यूनिक चेंज है कि जो पिलर के साथ इसका जो हुड है वो अलाइंड है, बिल्कुल नहीं, हल्का सा अलाइंड है, पर लेकिन जैसे दूसरे मॉडल्स में यहाँ पे एक गेप आता था जहाँ पे लेदर की स्ट्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, उस तरीके से इसमें नहीं है। पुराने मॉडल्स में इस तरीके से होता है एंड यहाँ पे फिर पानी वगैरह फंसता है तो जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर लेकिन इस एज़ कम्पेयर टू नए मॉडल इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। तो इसके बैक लुक की बात करें तो जो बैक लुक में इसमें एक तो इसका RS स्टाइल स्पॉइलर है एंड ऊपर शार्क फिन एंटीना है एंड बैक पर ड्यूअल एग्जॉस्ट है एंड दूसरा कोई डमी वगैरह नहीं, दोनों वर्किंग हैं। और इस बैक में इसकी लावा लाइट स्टाइल लाइट्स हैं एंड बैक लाइट वगैरह एंड RS की बैजिंग, उस साइड पर सिविक, बीच में होंडा का मोनोग्राम और नीचे रिफ्लेक्टर्स। और जहाँ से हम फ्यूल फिल करते हैं वो जगह है, वो भी इसकी ऑटोमेटिक ही है, मीन्स आपको अंदर से कोई बटन नहीं मिलता, आपको यहाँ से ही डायरेक्ट खोल के एंड पेट्रोल डालना होता है। एंड इन केस अगर इसकी बैटरी डेड हो जाए तो भी इसमें एक और चीज़ भी आती है अगर आपको उसके बाद ये खोलना पड़ जाए। तो बैक सीट पे ऊपर यहाँ पे एक ये होता है, ये खोलती है आप इससे, पर इससे भी आपकी सिर्फ डिग्गी खुलेगी, फिर डिग्गी से आप उसको खोल सकते हैं। और डिग्गी में फिर आपको ये वाला लेवर है, इससे आप खींचोगे तो आपका वो फ्यूल पंप खुल जाएगा। तो बात की जाए इसकी डिग्गी की तो ये ऑटोमेटिक ही है, बस आपको यहाँ पे एक बार बटन प्रेस करना है, ये खुद ही सारी खुल जाती है ऊपर तक। और जो पिछली वाली जनरेशन थी उसमें ये नंदे वगैरह जैसे साउंड प्रूफिंग एंड हीट प्रूफिंग भी होती है ये नहीं आते थे एंड ये हिंजेस वगैरह भी नज़र आती थी, ये कवर्ड नहीं थी, बट इस जनरेशन में ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं एंड इसकी डिग्गी भी काफ़ी मैसिव है, मीन अच्छे खास से बैग से आप एडजस्ट कर सकते हो। 490 लीटर्स की इसकी डिग्गी है। और बात की जाए अगर नीचे के सामान की तो नीचे इसमें एक स्पेयर व्हील आता है वो, एंड सारा स्टेफनी वगैरह सारा सामान आपका। और एक मेजर चीज़ जो इसमें ये चीज़ है कि इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय रिम ही है, जैसे कि नॉर्मल में स्टेफनीज वगैरह आती हैं वो दूसरे रिम्स होते हैं व्हील कैप्स वाले, पर इसमें प्रॉपर अलॉय व्हील है। और जो मेजर चीज़ है वो इसमें सारे इस कलर के साथ पियानो ब्लैक की टचिंग है, जैसे स्पॉइलर ये पियानो ब्लैक के साथ पे एंटीना एंड डोर हैंडल्स, और ये क्रोम की जगह पियानो ब्लैक एंड साइड मिरर वो भी पियानो ब्लैक। तो अब बात कर ली जाए इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका जो
बड़ा ही वेलकमिंग है जैसे आप बैठते हो। एंड इसके साइड में डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है एंड नीचे पैरों में भी आपको रेड लाइट मिलती है। और जो इसके पैडल्स हैं वो भी एक रेसिंग स्पोर्ट्स की तरह वो भी अपग्रेडेड हैं, मीन्स ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी से ही ऐसे आते हैं। और बात कर लीजिए आप इंटीरियर की, तो इसका जो स्टेयरिंग है वो भी पूरा लेदर स्ट्रेचिंग में ही है और इसमें भी रेड स्टिचिंग यूज़ हुई हुई है। और ओवरऑल इस गाड़ी में है वो रेड का काफ़ी यूज़ है एंड इसका पूरा इंटीरियर ही ब्लैक है, पूरा रूफ लाइनर भी इसका ब्लैक ही है। और अब थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए इसके मीटर की, तो ये फुली नहीं, ये पार्शली डिजिटल है। जो स्पीड वगैरह है वो सारी एनालॉग है एंड यहाँ पे ये सारा है सब कुछ डिजिटल। जैसे यहाँ पे आप अपने ड्राइविंग मोड्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको, वो सब। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह भी, बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हो एंड पेडल शिफ्टर्स वगैरह भी हैं इसमें। तो बात कर ली जाए इसके एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट्स इसके हनी वेब की तरह हैं, जैसे माखी का छत्ता होता है उस तरीके से है सारा, इस साइड पर भी और इस साइड्स पे भी कंप्लीट एंड तक जाता है। अभी तो खैर ये ठीक है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, पर इन फ्यूचर शायद इसको सफाई के लिए इसकी कुछ मसले मसाइल पैदा हों। एंड जो इसकी बीच में एंटरटेनमेंट स्क्रीन है वो 9 इंचज़ की है एंड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह है। और जो इसमें ट्रांसमिशन आती है वो है LLCVT ट्रांसमिशन आती है होंडा की तरफ से। और ये जो इस तरफ ये सारी चीज़ें हैं इनको काफ़ी कोशिश की गई है कि कार्बन फाइबर दिखाया जाए, पर लेकिन कार्बन फाइबर नहीं, ये प्लास्टिक का मटेरियल ही है। एंड यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड का फंक्शन, वो सब। और यहाँ पे इंटरनेशनली जो लॉन्च है उसमें तो वायरलेस चार्जर आता है पर इसमें नहीं है। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और एक USB सॉकेट भी है। इसके ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे पर भी वही है, वही चीज़ें हैं। एंड इसमें एक मेजर चीज़ है कि इसके चारों विंडोज़ ऑटो हैं, जैसे कि एक बार में। एंड इसमें एक एडिशनल सेफ्टी फीचर भी आता है कि अगर आपका बीच में हाथ अगर आ जाए तो ये मर्द ऑटोमेटिक ही वापस चले जाते हैं, ये सब कुछ। एंड अगर अब इस तरफ बात की जाए तो ये है हेडलाइट्स की रोशनी एडजस्ट करने के लिए। एंड नीचे जो बटन है, एक ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है और दूसरा ये होंडा सेंसिंग के सारे फंक्शंस हैं। ये मैं आगे जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ कि होंडा सेंसिंग है क्या चीज़, क्या भला है ये। और ये जो सेंटर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग है, इसको यहाँ पे पावर बटन है, आप इससे कर सकते हो इसको ऑन एंड ऑफ। एंड ऊपर ये सारे लाइट्स एंड सनरूफ के कंट्रोल्स, एंड इनमें भी दिन में लाइट, रात के टाइम में लाइट होती है। और यहाँ पर भी है सनवाइजर। और जो इसका ये ओवरऑल डैशबोर्ड का सारा मटेरियल है वो है सॉफ्ट प्लास्टिक एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है। एंड ओवरऑल जो सीट्स की क्वालिटी वगैरह है एंड कुशनिंग वगैरह है वो भी बेहतर है एंड काफ़ी वेलकमिंग सी फील है इस RS की। और अब अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स की, तो मैंने ये आगे वाली सीट अभी अपने हिसाब से भी नहीं, फुली पीछे कर दी है एंड उसके बावजूद भी अच्छा सा नी गैप है। और बैक पे बात की जाए तो बैक पे इसमें ऐसे वेंट्स वगैरह भी हैं बैक पैसेंजर्स के लिए। एंड बीच में एक हम्प भी है, आप वैसे दो एडल्ट्स एडजस्ट कर सकते हो, पर लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 3 एडल्ट्स भी पीछे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता कोई। बाकी ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी एग्रेसिव है एंड अच्छा है एंड काफ़ी वेलकमिंग सा है। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो 6 हैं इस वाले मॉडल में 2024, पर लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी, मीन्स अगर आप एज अ म्यूज़िक लवर हो तो उस तरीके से अच्छी नहीं है, पर लेकिन अच्छी है फिर भी बेहतर है, पर लेकिन थोड़ी सी लो है। 6 स्पीकर्स के हिसाब से इसका बेस वगैरह सब कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, पर लेकिन उस हिसाब से इसका जो स्पीकर्स वगैरह हैं तो थोड़े से लो हैं। तो अब अगर बात कर ली जाए इसके इंजन बे की, तो इंजन बे इसका ये है एंड काफ़ी मैसिव सा इंजन बे है क्योंकि RS टर्बो है, टर्बो मोटर की वजह से। एंड इसके फैंस भी इस RS टर्बो में दो आते हैं, एक ये एक ये। और इसकी बैटरी भी काफ़ी मैसिव है RS टर्बो की, टर्बो मोटर की वजह से।
और जो इसके हॉर्स पावर है, ये जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो 176 है, एंड जो इसका टॉर्क फिगर्स हैं वो 220 न्यूटन मीटर्स है। और इसमें इस पैसेंजर साइड पे भी लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन आता है। तो अब बात करते हैं इन गाड़ी के ओनर से एंड हमारे रिस्पेक्टेबल कज़न आरिफ कमाल। तो ये गाड़ी आपको किस प्राइस ब्रैकेट में मिली? ये जो गाड़ी है ये 122 की पड़ी है। अच्छा, और इस प्राइस रेंज में तो और भी ऑप्शन थे जैसे कि सोनाटा है, SUVs आती हैं, ग्रैंडी आती है इससे कम में, पर लेकिन आपने RS को लेने का ही क्यों सोचा? इसका स्टैंडर्ड वर्जन था, ओरियल वर्जन था? नहीं, ग्रैंडी थी मेरे पास पहले, लेकिन ग्रैंडी में जो बात है कि उसके हॉर्स पावर कम है, वो 130 हॉर्स पावर है, ये तकरीबन 180 हॉर्स पावर के करीब बनती है। तो ग्रैंडी ऐसा जिसका कंपेटिटर नहीं है, इसका कंपेटिटर है सोनाटा 2.5 वेरिएंट जो है वो इसके बराबर के हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन बात फिर वही आती है कि उसका बॉडी वेट एक तो बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी टू वेट रेशियो की वजह से उसका पिक इतना नहीं होता। सिर्फ पिक की बात नहीं है, जो डायरेक्ट कंपेटिटर में सोनाटा आती भी है इसके, उसकी फिर रीसेल वैल्यू नहीं है सोनाटा की निस्बतन एक नॉर्मल सिविक के। आपका बैंक डिसीजन यही था कि बस ये RS ही लेनी है, इसके अलावा कोई गाड़ी कंसिडर नहीं की थी? नहीं, RS इसलिए, सिविक इसलिए कि एक तो रीसेल इसकी अच्छी है सोनाटा के निस्बतन जो इसका कंपेटिटर है, दूसरा ये कि अपग्रेड ग्रैंडी से, यही एक अपग्रेड है जो सेडान कार्स में मतलब के अपग्रेड सही तौर पे माना जाता है। और अगर इसको हम फास्टेस्ट सेडान ऑफ पाकिस्तान कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी? हाँ, ऐसे ही है। और एनी नॉन फॉल्ट इस गाड़ी का जो आपको लगता हो? नहीं, अभी तक तो 700 किलोमीटर चली है, अभी तक तो कोई नॉन फॉल्ट आया नहीं है इसका। अच्छा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। एनी मिसिंग अकॉर्डिंग टू यू इन दिस कार? इस प्राइस ब्रैकेट में इतना कुछ देने के बाद ये चीज ब्रेक होनी चाहिए थी? नहीं, इसमें मुझे तो ऐसा कोई मिस नहीं होती चीज, लेकिन एक बात यह है कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं रडार के, होंडा सेंसिंग के, वो मतलब पाकिस्तान के लिए बेस्ट नहीं है। क्योंकि एक दो दफा, तीन दफा ऐसा हुआ है कि जब मुझे ब्रेक नहीं लगानी थी, खुद उसने ब्रेक लगाई। तो मतलब पाकिस्तान के लिए बेस्ट सूटेड इसलिए नहीं है कि कोई भी बाइक वाला, कोई भी बंदा अचानक से सामने आ जाता है तो मतलब आप सोच रहे होते हो कि आप निकल जाओगे उसको कट मार के, लेकिन ये ब्रेक मार देती है वहां पे अगर तो दो तीन दफा ऑन हो तो। हाँ, और हर दफा जब जब ये स्टार्ट होती है तो होंडा सेंसिंग ऑन होता है, वो आपको मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। तो ये किसमें है कि ये फीचर सही है, उन्होंने अपनी तरफ से डाला है, सही है, मोटरवेज पे, हाईवेज पे काम आएगा या दूसरे ममालिक में काम आता है, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना मतलब कॉम्पिटिटिव एज नहीं देगा। सही। और जो इसका रेडार वगैरह एंड सारा होंडा सेंसिंग जो सारा फंक्शन है वो यहीं पे सारे बिल्ट हैं इसमें, एंड ऑटो वाइपर्स भी हैं, और जो इसके विंडशील्ड वॉशर जो पानी फेंकता है, जो नोजल होती पहले या तो बोनट पे लगी हुई थी या छुपी हुई लगी होती थी और पीछे आती थी, पर इसमें वाइपर्स के साथ ही आती हैं। और इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसका होंडा सेंसिंग का एक फंक्शन है। एंड होंडा सेंसिंग का दूसरा फंक्शन आता है वो लेन असिस्ट आता है। अगर आपका होंडा सेंसिंग ऑन है एंड मोटर पे या हाईवे पे एक लाइन में जा रहे हो विदाउट इंडिकेटर, जब आप लाइन अपनी चेंज करोगे तो स्टीयरिंग खुद ब खुद हिलता है एंड अच्छा अच्छी खासी वाइब्रेशन आपको फील करवाता है एंड वापस गाड़ी उधर करता है अगर आपका इंडिकेटर ऑन ना हो। अगर सेम चीज़ आप इंडिकेटर ऑन करके करोगे तो ऐसी कुछ नहीं होती। एंड ऑटो ब्रेकिंग इसमें ये होता है कि एक आपसे सेटिंग पूछ आती है, वो आपको करनी पड़ती है कि मीन गाड़ी कितनी दूर हो तो आप ब्रेकिंग करें। एक जो कंपनी से आती है वो तो हुई होती है, उसके बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हो और करना चाहो तो अगर आगे कोई गाड़ी आ रही होती है तो वो खुद ब खुद ब्रेक लगाता है एंड उसके बाद ब्रेक रिलीज करके जो आपकी नॉर्मल स्पीड थी क्रूज पे सेट की हुई उस पे आ जाता है। एंड ऑटो ब्रेकिंग जब ये तब भी करता है अगर आपका क्रूज ना हो एंड अब गाड़ी के एग्जैक्ट का काफ़ी नज़दीक कोई और गाड़ी या कोई और ऑब्जेक्ट आ गया हो एंड कोलिजन का खतरा हो तो वो खुद ब खुद ऑटो ब्रेकिंग करता है। एंड एडाप्टिव क्रूज में ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है एंड आगे कोई आ गया या उस गाड़ी के अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्पीड थोड़ी सी नीचे कर जाएगी एंड एडजस्ट कर लेगी एंड फिर जब वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो वो खुद ब खुद अपने हिसाब से अपनी एडजस्ट जो आपने क्रूज पर सेट की हुई थी वापस वो एडजस्ट कर लेगा। होप के इस रिव्यू में हमने इसकी सारी चीज़ें, सारी फंक्शंस वगैरह कवर किए हुए हों। अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए मींस 122 में जो दो तीन चीज़ें मिसिंग है, एक यहाँ पे वायरलेस चार्जर होना चाहिए था एंड जो इसकी जो सीट्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए थी एंड जो बैक पे यहाँ पे सिर्फ
एसी वेंट्स हैं, उसके नीचे भी एक यूएसबी सॉकेट वगैरह होना चाहिए था इस प्राइस ब्रैकेट में। और ये तीन चीज़ें ऐसी कोई बड़ी खास नहीं है, पर लेकिन इस ब्रैकेट में, प्राइस ब्रैकेट में आपके पास होनी चाहिए थी। हम इसकी एक चीज़ें बात करना भूल गए थे, वो थी इसकी फ्यूल एवरेज, जो भी मीटर पर आ रही है वो 12.7 एंड RMI की बदौलत तो ये बता रहे हैं। तो जो इन्होंने बिल्कुल प्यार से भी नहीं चलाई, ना ही बिल्कुल रफ चलाई, नॉर्मल फुट पे चलाते हैं एंड रश में भी वैसे भी, और बम्पर टू बम्पर भी गाड़ी चली है, सिग्नल वगैरह पे रुकना करना सब कुछ इन्वॉल्व। 12.7 मीन्स 12 से 13 के दरमियान ये दे देती है आराम से, 12.7 से 13.2 13.1 के दरमियान में। अब मोटरवे पे नहीं चलाई, मोटरवे पे देखो क्या एवरेज देती है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें दो एयरबैग्स आते में हैं एंड होंडा सेंसिंग वगैरह के वो सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो इस गाड़ी का कलर था वो तो आप लोगों को ग्रे लग रहा होगा, पर जो इसका जो प्रॉपर नेम है वो है मेटोराइट ग्रे। और रिवर्स, और इसमें रिवर्स करते वक्त गाइडिंग लाइन्स भी आती हैं आपको, जो कि ज़्यादा हेल्प करती हैं गाड़ी पार्क करने में। इसका हमारा रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है एंड होप कि आपको आज का हमारा, हम दोनों का जो हमने इसका रिव्यू किया है, थोड़ा बहुत वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमने, हम दोनों ने एक सीरीज स्टार्ट किया गाड़ियों, एक नॉलेज गाड़ियों की लेंगे एंड गाड़ियों से रिलेटेड और भी रिव्यूज़ लाएंगे, जिससे हम भी कुछ सीखेंगे एंड आप लोग भी कुछ सिखाएंगे। तो बस आज का हमारा ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आप सबको आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा।